माइसेल्फ अलाइना। ओके सो स्टार्ट करते हैं। मस्त। ये मेरी खुशनसीबी है कि तेरी बेटी बन इस दुनिया में आई हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि तेरी बेटी बन इस दुनिया में आई हूँ। माँ अक्सर लोग कहते हैं मैं तेरी परछाई हूँ। तू ही तो है जिसने मुझे चलना सिखाया, जब लड़खड़ाए मेरे कदम तो संभलना सिखाया। तू ही तो है जिसने मुझे हर मुश्किल से बचाया, और जो कभी हो गलती तो कभी प्यार से तो कभी डांट कर समझाया। ना जाने कैसे समझ जाती है मेरी आवाज़ से मेरे दिल का हाल। ना जाने कैसे समझ जाती है मेरी आवाज़ से मेरे दिल का हाल। ये आज तक मैं ना समझ पाई, माँ अक्सर लोग कहते हैं मैं तेरी परछाई हूँ। कभी टीचर कभी दोस्त कभी डॉक्टर, कभी टीचर कभी दोस्त कभी डॉक्टर, ना जाने कितने रूप होते हैं। खुद को चाहे कुछ भी हो जाए कुछ नहीं करती, दुनिया सर में उठा लेती है जब बीमार हम होते हैं। माँ अक्सर लोग कहते हैं मैं तेरी परछाई हूँ। जैसी भी है बड़ी प्यारी है यार, किसी के साथ भी रहे मेरी अपनी है यार। रूठ जाए भी अगर मेरे दोस्त तक कहते हैं जाना यार, और वो रूठने के बाद भी मुझे नहीं जाने देती, वो आखिर मेरी माँ है यार। अब बात करते हैं, कुछ लोग कुछ लड़कियाँ कुछ वुमेंस होती हैं कि उन चार लोगों के वजह से अपने डिज़ायर्स अपने ड्रीम्स साइड रखती हैं, और वो लोग हैं चार लोग। कहते नहीं हैं लोग क्या कहेंगे, ये नहीं करेंगे, लोग क्या कहेंगे वो नहीं करेंगे, तो उस पर बोलते हैं। तो सुनिएगा, बेटा तुम बीए एलएलबी कर रही हो उसमें कोई स्कोप नहीं है। बेटा तुम बीए एलएलबी कर रही हो उसमें कोई स्कोप नहीं है। अरे तो अंकल आपका बेटा बीए कर रहा है, वो कौन सा तोप है। अपना बेटा नंबर लाए तो उसको टॉपर का टैग लगा देंगे। अपना बेटा नंबर लाए तो उसको टॉपर का टैग लगा देंगे, और दूसरे का कोई बेटा टॉप करे तो रट्टा मारता है ये बता देंगे। क्रॉप टॉप और स्कर्ट कितना शॉर्ट है, कितना बेकार लगता है ना। क्रॉप टॉप और स्कर्ट कितना छोटा है, कितना बेकार लगता है ना। तो आंटी वही 4 इंच की गैप ही आपको साड़ी में क्यों स्वीकार है। भैया क्रॉप टॉप पहनो तब भी 4 इंच का दिखेगा, और जब साड़ी पहनो तब भी, तो क्यों स्वीकार है आपको ऐसा। लोग क्या कहेंगे, गर्ल्स कांट ड्रेस अप टू देयर चॉइस। तू मोटी है ढीले कपड़े पहना कर, तू छोटी है हील पहना कर, लोग क्या कहेंगे। तू काली है मेकअप कर, लोग क्या कहेंगे। कपल्स कांट टेस्ट देयर कॉम्पैटिबिलिटी एंड स्पेंड टाइम टुगेदर बिफोर मैरिज। शादी से पहले अकेले, अरे लोग क्या कहेंगे। गर्ल्स शुड मैरिड ऑन टाइम, अरे 30 की हो गई और शादी नहीं की, लोग क्या कहेंगे। Girls can't hang out with their male friends, क्योंकि according to लोग a girl and a boy can either be a siblings or in a relationship. लड़कों के साथ अकेले मूवी, अरे लोग क्या कहेंगे। Intercast marriage a crime in a society. अपने कास्ट के नीचे वाले बंदे से कभी शादी मत करना, वरना लोग क्या कहेंगे। You got to change the name you have been responding since 25 years because लोग क्या कहेंगे। अरे शादी के बाद भी सरनेम नहीं बदला, वरना लोग क्या कहेंगे। Parents sell their valuable possession just to arrange a lavish marriage ceremony of their daughters. चाहे सब कुछ जमीन पे क्यों ना आ जाए लेकिन खर्चा उतना ही करना है, वरना लोग क्या कहेंगे। Girls can't talk loud. Speak what the thing is right and express their thought. लड़की होगी इतनी तेज आवाज बात कर रही हो, अरे लोग क्या कहेंगे। You can't follow your passion. लड़की होगी डांस कर रही हो, लड़की होगी गाना गा रही हो, लड़की होगी शेर शायरी कर रही हो, अरे लोग क्या कहेंगे। खैर बातें बताने को तो लाख बातें हैं बस अब रहने दो। सब हम कह देंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो मेरा कहना है हर उस लड़की हर उस वुमेन से कि लोगों का काम है कहना।
ना तुम कहने दो, उनकी चार बातों को इग्नोर करे, इग्नोर करके अपने करियर पे ध्यान दो। जिंदगी तुम्हारी नदियां है, इसे अपने ढंग से बहने दो। अब जब मतलब जॉइंट फैमिली होती है तो बहुत दिक्कत होती है कि हम खाना नहीं बनाएंगे, वो कहती है हम खाना नहीं बनाएंगे, वो कहती है तुम ये काम करो, ये काम करेंगे, होता है ना सबके घर में जो जॉइंट फैमिली है। तो इस पे था, भले ही घर में लोग अनेक हो, पैसा कम ही सही पर दिल नेक हो। भले ही घर में लोग अनेक हो, पैसा कम ही सही पर दिल नेक हो, और बड़ा ही मुश्किल होता है मिलजुल कर रहना, और बड़ा मुश्किल होता है मिलजुल कर रहना जब परिवार भी सौ चूल्हा सिर्फ एक हो। अब बात करते हैं जो हमारा कोरोना जा ही नहीं रहा है, गले पड़े बैठा है हमारे तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ गरीबों को सिर्फ सताया जा रहा है, यहाँ गरीबों को सिर्फ सताया जा रहा है, जो ऑफिसर अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें पद से हटाया जा रहा है। यहाँ गरीबों को सिर्फ सताया जा रहा है, जो ऑफिसर अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें पद से हटाया जा रहा है, और कोई भूख से मरे तो कोरोना से मर गया ये बताया जा रहा है। अब जैसे कि अभी बात हुई थी कि लखनऊ में आशुतोष भैया कह रहे थे कि लखनऊ में कांड हुआ है, लड़की ने चल के तमाचे मारे तो उस पर था, बात सही है। क्यों आज भी होते हैं रोड पर फैसले मेल और फीमेल देखकर, क्यों आज भी होते हैं फैसले रोड पर मेल फीमेल देखकर, क्यों चुप है ये इक्वालिटी की ठेकेदार चीप पब्लिसिटी का खेल देखकर। क्यों आज भी होते हैं फैसले मेल रोड पर मेल और फीमेल देखकर, क्यों चुप है ये इक्वालिटी की ठेकेदार चीप पब्लिसिटी का खेल देखकर। क्या हक नहीं लड़कों को कि उन्हें भी सड़कों पर इंसाफ मिले, इज्जत की कमीज अगर फटी है सड़क पर तो फाड़ने वाला भी उसे सड़क पर सिले। विक्टिम कहत का ऐसा दुरुपयोग अब देखा नहीं जाता, विक्टिम कहत का ऐसा दुरुपयोग अब देखा नहीं जाता, इल्जाम गलत हो तो अक्सर शरीफों का भी सब्र टूट जाता है। अब नारी हूं तो कुछ लाइंस नारी में भी, तो कि कल अच्छा हो इसलिए सवाल करती है नारी, कि कल अच्छा हो इसलिए सवाल करती है नारी, टूटे ना कोई रिश्ता इसका ख्याल करती है नारी। कि कल अच्छा हो इसका ख्याल करती है नारी, टूटे ना कोई रिश्ता इसका ख्याल करती है नारी, खुद रक्त बहाकर एक देती है नया जन्म, खुद रक्त बहाकर भी देख देती है नया जन्म, अपने ही दम पर बहुत कमाल करती है नारी। एक और नारी पे है कुछ वही जो लोग क्या कहेंगे कहा था मैंने, और लड़कियां जो मतलब कर नहीं पाती उन चार लोगों की वजह से, तो नारी के मोटिवेशन पे लिखा था। वो मुस्कुराती है, वो मुस्कुराती है, न जाने कितने गम अपने दिलों में छुपाती है, नारी की बात है। वो मुस्कुराती है न जाने कितने गम अपने दिलों में छुपाती है, हजार हजार जख्मों के बाद भी वो प्यार जताना जानती है, वो हारती नहीं अपने आत्म सम्मान के लिए लड़ना जानती है, जितना भी बंदिशे लगा लो उसमें वो नारी है जनाब आसमान में उड़ना जानती है। अच्छा ये थोड़ा मोहब्बत पे है। कलम उठाने से अल्फाज नहीं मिल जाते, कलम उठाने से अल्फाज नहीं मिल जाते, यूं ही सभी मोहब्बत में रांझे नहीं कहलाते। कलम उठाने से
अल्फाज नहीं मिल जाते, यूं ही सभी मोहब्बत में रांझे नहीं कहलाते। इश्क है तो एहसास है खुदा की इबादत का, इश्क है तो एहसास है खुदा की इबादत का, तभी तो रकीब दीवाने नहीं कहलाते। अच्छा, ये पिछला ओपन माइक था यूएर हाउस का, तो उसमें बोला था, फिर से बोलना चाहती हूँ क्योंकि कुछ लोग थे नहीं वहाँ पे। जब भी तुम जमाने को मेरा फितूर बताया करो, जब भी तुम जमाने को मेरा फितूर बताया करो, तो अपनी भी आंखों का कसूर बताया करो। जब भी तुम जमाने को मेरा फितूर बताया करो, तो अपनी भी आंखों का कसूर बताया करो। और ये जो तुम मिलती हो सबसे हंस हंस के, और ये जो तुम मिलती हो सबसे हंस हंस के, यार तुम शायर की मोहब्बत हो, थोड़ा तो गुरूर दिखाया करो। ये था कि ये लास्ट है। कुछ लड़के होते हैं, लड़कियों के चक्कर में हाथ काट लेते हैं अपने, कलाई काट लेते हैं कि यार लड़की देखेगी इम्प्रेस हो जाएगी, समझ जाएगी कितना प्यार करते हैं। भैया ऐसा कुछ नहीं है, तो सुनिएगा इस पे। उसने उस रात सबके हिस्से की काट ली, उसने उस रात सबके हिस्से की काट ली, समंदर को अंदर बांधा और नदी बांट ली उसने। उसने उस रात सबके हिस्से की बांट ली, समंदर को अंदर बांधा और नदी बांट ली उसने। अपनी माँ का लाडला बाप का बेटा था वो, अपनी माँ का लाडला बाप का बेटा था वो, एक लड़की के चक्कर में उसने अपनी कलाई काट ली। अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।